गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू सारिका गुप्ता व्लॉग्स अगेन। तो आज संडे है और आदि की गिटार क्लासेस हो रही हैं। इसके बाद जाएंगे आदि की हेयर कटिंग के लिए। तो आफ्टर गिटार क्लासेस हम लोग निकल पड़े हैं आदि का हेयर कट करवाने के लिए। काफ़ी बड़े भी हो गए थे आदि के बाल, तो ये पहुँच गए हम लोग सैलून में जहाँ आदि का हेयर कट होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह के हेयर्स है आदि के कटिंग के पहले और फिर कटिंग के बाद का लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड ये है हेयर कटिंग के बाद का लुक। तो बताइए कैसा लग रहा है मेरा बेटा। तो फैमिली देखिए, आदि हेयर कट करके आ गया है घर और नहा धो के फ्रेश हो चुका है। तो देखिए इसका हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा। आदि टर्न राइट, ये देखिए टर्न बैक, अगेन टर्न अराउंड, लेट मी शो फ्रॉम दिस साइड। तो बताइए कैसा लगा आदि का नया हेयर स्टाइल। और ये हेयर कटिंग किस लिए हुआ है वो भी मैं बता दूं। आदि का बर्थडे है 2 दिन के बाद और इसीलिए हेयर कट और बर्थडे के बाद ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 9th को, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पूरी। तो पूरी जाने की खुशी में ये हेयर कटिंग और ये शॉपिंग भी, आदि का बर्थडे का ड्रेस के साथ साथ कुछ कुछ शॉपिंग हमने पूरी के लिए भी किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या खरीद के लाए थे हम लोग कल। कैसा लगा आपको मेरा हेयर स्टाइल कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, हेयर कट करवा के जैसे ही आ रही थी तो मुझे पता चला कि आंटी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है और उन्होंने अपने घर पे खाना नहीं बनाया है। ईलू आई हुई थी मेरी कज़िन, तो वो बस दाल चावल और आलू का चोखा बना रही थी। और उनके घर पे दीपा मौसी भी आई हुई थी, तो घर पे गेस्ट है और दाल चावल सिर्फ बन रहा, तो मैं बोल के आई हूँ रुकिए मैं फटाक से खाना बना के लाती हूँ। तो ये मैंने निमोना बनाया और चिल्ली पनीर बनाया, अपने लिए भी रखा है, और ये सारा मैं दे के आती हूँ आंटी को। इसके बाद रात का डिनर ही मैंने शूट किया। डिनर के लिए बाहर से रोटी बनाने का मन नहीं था, तो बाहर से नान मंगाया था मैंने, और साथ में चिकन लॉलीपॉप भी आदि खाना चाहता था तो वो भी मैंने ऑर्डर किया था। साथ में निमोना और चिल्ली पनीर तो हमारा था ही, थोड़ी राइस भी बची हुई थी दिन की तो वो भी मैंने खाया, और यही सब कुछ मिला के हम लोगों ने डिनर किया। तो डिनर का खाना कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कल क्या क्या हम लोग शॉपिंग करके लाए थे। तो ये है हमारा निमोना और चिल्ली पनीर, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी और आंटी लोग को भी दे के आए थे ये चिल्ली पनीर। और इसके बाद आदि आइसक्रीम भी लेके आया था, तो इसके बाद हमने आइसक्रीम भी खाया। हंसो, आ जाएगा वही, अच्छा से हंसो। तो चलिए खाया जाए, चीयर्स। ये चीयर्स पूरा बिगाड़ दिए देखिए। गिरेगा 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 गिरे, अम्मा बेड पे गिरेगा। तो ये देखिए पूरी जाने के लिए जो शॉपिंग हम लोगों ने की है, ये सबसे पहले स्लीपर्स से शुरू करते हैं। ये आदि की है और ये मेरी वाली है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल थी पहनने में, तो ये मैंने ख़रीद लिया अपने लिए। और ये आदि की स्लीपर, और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं बर्थडे की ड्रेस। और ये है आदि की टी शर्ट जो बर्थडे के दिन पहनेगा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, उसने खुद से चॉइस करके लिया है। और इस टी शर्ट के साथ ये पैंट लिया है, फुल ट्राउज़र नहीं लिया है, ये 3/4 वाला है। और इसके साथ ही बीच पे जाने के लिए सेल में मिल रहा था उसी शॉप पे, तो ये मैंने एक स्लीवलेस ले लिया है, बीच पे कंफर्टेबल रहेगा पहनने के लिए।
और इसके साथ दो शॉर्ट्स लिए हैं अधिक के बीच पे ही पहनने के लिए। और मैंने अपने लिए लिया है ये स्काफ, दो स्काफ लिया है, एक ये है इस तरह का प्रिंट और एक ये है, दो स्काफ है और दो लेगिंग्स लिया है, ब्लैक एंड वाइट लेगिंग्स, और ये एक कुर्ती मैंने ली है, येलो कलर में है, लाइट येलो कलर, ठीक से दिखाती हूँ, ये देखिए अब सही लग रहा है कलर, अभी भी थोड़ा लाइट दिख रहा है, इससे भी एक शेड डार्क है, लाइट येलो, और इसे ब्लैक के साथ कंबाइन करके पहनूंगी। और इसके साथ एक और लिया है मैंने, कुर्ती का सेट है, इसके साथ ही इसमें ट्राउज़र भी दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो बताइएगा कैसा लगा, ये सारे कपड़े कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, क्योंकि इसके बाद पूरी जाएंगे हम लोग, पूरी का सारा ब्लॉग्स आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आदि के बर्थडे के केक कटिंग का भी ऑफ कोर्स आएगा ही पूरी जाने से पहले। तो जो न्यू व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाली हैं एक के बाद एक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।